नगर मैनपुरी से एटीएम से फ्रॉड करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को 59 एटीएम कार्ड और भारी संख्या में फ्रॉड किए गए 75,000 रुपए सहित घटना में प्रयुक्त होने वाले एक तमंचा, 2 कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 2 छुरे को भी बरामद किया है। एसपी अशोक कुमार रॉय ने पुलिस लाइन परिसर में प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। पूरा मामला मैनपुरी के कुराबली थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मैनपुरी में लगातार साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। शिकायतकर्ता गुंजन पुत्री अनिल कुमार ग्राम मुकुलपुर ने अपने 1,10,000 रुपए को एटीएम से फ्रॉड करने की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर की थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस थाना पुलिस और साइबर क्राइम सेल को तत्काल आरोपी गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिए गए थे, जिसके बाद साइबर क्राइम सेल और थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए आरोपी वसीम उर्फ चिट्टा पुत्र फहीमुद्दीन जनपद बुलंदशहर और अक्रम पुत्र जफर जनपद अलीगढ़ सहित इन्ना पुत्र वसीर जनपद अलीगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 59 एटीएम कार्ड और 75,000 रुपए सहित 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 2 छुरे बरामद किए हैं। सर, एटीएम फ्रॉड करने वाले कुरावली पुलिस और साइबर सेल ने खुलासा किया, बड़ी सफलता हाथ लगी, क्या मामला? ये पिछले दिनों कई जगहों सूचना मिली कि एटीएम कार्ड बदल करके इस तरह से एटीएम फ्रॉड करके पैसा निकालने की घटनाएं हो रही हैं। इसी में साइबर सेल को लगाया गया था और साथ में कुरावली पुलिस भी थी। तो इसमें से 3 शातिर अपराधी वसीम, अकरम और इंता। वसीम जो है बुलंदशहर का, ये गुंडा के तहत जिला बदर है, और दूसरा ये दोनों अलीगढ़ के हैं, और इनसे 59 एटीएम कार्ड, साथ में 75,000 रुपये, 1 अवैध तमंचा, 2 मोटरसाइकिलें, और इनका एक लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये वांटेड भी हैं कई जनपदों से और आसपास के जनपदों के, कहते हैं ये भोपाल और इंदौर में भी इन्होंने घटनाएं की हैं। लंबा आपराधिक इतिहास है और इस पर हमारी टीम ने इस गैंग को ट्रेस किया है। इनको फिलहाल आज जैसा आप देख रहे हैं कैश और सारी चीज़ें बरामदगी के बाद जेल भेजा जा रहा है। इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।